एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक बार 4 अंडे देती है। अरे टुनटुनी, मैं पहले ही कह देता हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। इन अंडों में से सिर्फ बेटे ही निकलने चाहिए, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बेटी हो या बेटा हमारे हाथ में थोड़ी ही ना है। मैं कुछ नहीं जानता टुनटुनी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं, अगर इन अंडों में से बेटियां निकल गई तो कालू मुझे छोड़ देगा, मैं कहां जाऊंगी, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बातें सुनकर बहुत चिंतित थी। तभी 2 अंडे फूटने लगते हैं और अंडों में से 2 बच्चे बाहर आते हैं। उन दोनों में से सिर्फ बेटियां ही निकलती हैं। अरे दोनों अंडों में से तो बेटियां ही बाहर आई, अगर कालू ने देख लिया तो मुझे इस घर से निकाल देगा और मैं अपने बच्चे नहीं दूर रह सकती। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के आने से पहले अपनी बेटियों को एक पेड़ पर पत्तियों से छिपा देती है। अरे टुनटुनी, यहाँ तो सिर्फ 2 ही अंडे हैं, बाकी के 2 अंडे क्या हुए, कहाँ है वो 2 अंडे। क्या बताऊं जी, यहाँ पे एक शिकारी चील आया और 2 अंडों को मुझसे छीन कर ले गया। वे बातें कर ही रहे थे कि दोनों अंडे भी फूट जाते हैं और उन दोनों अंडों में से 2 बेटे निकलते हैं। अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरे तो 2-2 बेटे हैं, मैं बहुत खुश हूँ टुनटुनी, तुझसे मेरे पास 2 बेटे हैं। कालू कौवा अपने बेटों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें अपने साथ घुमाने लेकर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी मौका देखकर अपनी बेटियों से मिलने जाती है। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ इसलिए मैं तुझे अपने से दूर रखी हूँ। बच्चों तुम दोनों इस झाड़ियों के पीछे ही छिपे रहना, अगर तुम पत्तियों से बाहर आए तो शिकारी चील तुम दोनों को खा जाएगा। मैं जब जाऊंगी तो तुम्हें पत्तियों से छिपा दूंगी और तुम इसके अंदर शांति से बैठे रहना। चिड़िया अपने बच्चों से बातें ही कर रही थी तभी वहाँ पे शिकारी चील आ जाता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, 2-2 चिड़िया, वो भी नरम नरम, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। आज तो मैं इन्हें ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। खबरदार दुष्ट चील, जो तूने मेरे बच्चों के पास आने की कोशिश भी की, मैं तुझे इन्हें छूने भी नहीं दूंगी। अच्छा तो अब तू मुझे रोकेगी इन बच्चों के पास जाने से, छोटी चिड़िया, मैं तो तुझे भी खा जाऊंगा। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए चीर से झपट पड़ती है। वे दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें चिड़िया काफी घायल हो जाती है। वे बहुत मुश्किलों से अपने बच्चे को चील से बचाकर अपने घर ले आती है। मुझे माफ कर देना कालू जी, मैंने अपनी बेटियों को आपसे छिपा कर रखा, मुझे डर था कि आप मुझे घर से निकाल लेंगे, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। लेकिन शायद मेरा बच्चों के साथ यहीं तक का वक्त था, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं अपने बच्चों को चील से बचाते हुए काफी घायल हो चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। पापा पापा, माँ को बचा लो पापा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, पापा जल्दी से माँ को हॉस्पिटल लेकर जाओ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर आता है और उसे हॉस्पिटल में ही छोड़कर लौट जाता है। मैं इस मनुष्य से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, ये जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने 2-2 बेटियों को मुझसे छिपा कर रखा, अब उन आफतों को मेरे सर मर दिया है, अब मैं क्या करूँ, मैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था तभी वहाँ पे बंटी कबूतर आता है। अरे क्या हुआ, तुम खुद से बातें क्यों किए जा रही हो, क्या बात है मुझे बताओ। क्या बताऊं बंटी भैया, मेरी पत्नी टुनटुनी का देहांत हो गया है और मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं उन सबका अकेले कैसे ख्याल रखूंगा, अगर आपकी नजर में कोई चिड़िया या कौवा हो तो मुझे बताना, मैं अपने बच्चों को देखभाल के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूं।
अरे कालू भाई, मेरे नज़र में एक कवि है, अगर आप कहो तो मैं उसके पास आपको ले चलूं। हाँ कबूतर भाई, चलिए मैं तैयार हूँ। अरे रानी कवि, कालू कवि की पत्नी की मृत्यु हो गई है और ये दूसरी शादी करना चाहता है। इसके दो बेटे और दो बेटियाँ हैं, उनकी देखभाल के लिए वे तुमसे शादी करना चाहता है। अरे कालू जी, आपके तो दो दो बेटियां हैं, उनकी दहेज के लिए इंतजाम करते करते ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम तो कभी खुशी से रह ही नहीं पाएंगे। अरे रानी कवि, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी बेटियों को कैसे हैंडल करना है जानता हूँ, मैं उनसे आसानी से पीछा छुड़वा लूँगा। कालू कौवा अपनी बेटियों से पीछा छुड़वाने के लिए अपने घर आता है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है और मैंने तुम लोगों के लिए दूसरी माँ ढूंढ ली है, लेकिन हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, दूसरे जंगल जाकर शादी करेंगे। लेकिन पापा, इस जंगल में मेरी माँ है और हमारी माँ वापस जरूर आएगी, वो जिंदा है, हमें यकीन है हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हारा जिद यही है तो मैं नहीं मानने वाला, मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, चलो बेटा तुम दोनों मेरे साथ चलो। कालू कौवा अपने बेटों को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। इधर पर दोनों बच्चियाँ अपनी माँ का इंतजार करती हैं। अरे बहन, तुम बिल्कुल भी शोर मत करना, तुझे पता है ना, वो शिकारी चील हम दोनों की ताक में बैठा हुआ है, वरना वो हम दोनों को अपना भोजन बनाकर खा जाएगा। बच्चे बातें ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे शिकारी चील आ जाता है। आप आगे कदम बिल्कुल मत बढ़ाना, आप हमें अकेला मत समझिए, हमारी माँ भोजन लेने गई है और बस वो आती ही होगी। चील जैसे ही बच्चों पे हमला करने जाता है, टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और चील के पेट में चाकू भोंक देती है, चील वहीं पर मर जाता है। माँ, अच्छा हुआ आप आ गए, पापा हम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर लिए और भैया को भी साथ ले गए, हम दोनों अकेले आपका इंतजार कर रहे थे। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।